डियर आईसीएसई एंड आईएएस स्टूडेंट, जैसा कि रिपोर्ट में सीधा सीधा कहा जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कि क्लास 12th आईएएस एंड आईसीएसई क्लास 10th के रिजल्ट आज या कल यानी 16th ऑफ जुलाई तक नहीं आएंगे। इसके पीछे सीआईएससी ऑफिशियल ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये रिजल्ट के आने की संभावना इसलिए भी अभी नहीं है क्योंकि ये रिजल्ट अभी तक प्रिपेयर्ड ही नहीं हुए, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर यह रिजल्ट अपलोड होने के कंडीशन ही अभी चल रहे हैं। जो कुछ भी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस, इसके बाद इंडिया टीवी ने दी है, इसके बाद एनडीटीवी एजुकेशन ने लाइव अपडेट किया है, या फिर आप देख लेंगे जी न्यूज की ये रिपोर्ट है, या फिर एनडीटीवी का अगेन एक रिपोर्ट है जो बताता है कि कब सीआईएससी रिजल्ट को देगा। तो यहाँ पर इन तमाम रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं तो सीआईएससी चीफ गैरी राठौर के हवाले से कहा जा रहा है कि अभी तक रिजल्ट आईएएस एंड आईसीएसई के प्रिपेयर्ड नहीं है। मैं आपको बार बार भी बताता रहा हूं कि वेबसाइट पर अपलोडिंग के काम के बीच में ये रिजल्ट काफी कुछ ऊंचे नीचे होते रहे हैं। तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो सीआईएससी चीफ गैरी राठौर ने इंडियन एक्सप्रेस को दी है उसके मुताबिक इस समय सीआईएससी तैयार नहीं है कि वह इन रिजल्ट को दे सके, और बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक यानी 23rd ऑफ जुलाई से 13th ऑफ जुलाई के बीच में ये रिजल्ट आएंगे। होपफुली 23rd ऑफ जुलाई तक रिजल्ट आ जाने की पूरी संभावना इंडियन एक्सप्रेस या फिर अन्य सारे मीडिया सोर्सेज जारी करते हैं, जिनको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो रिपोर्ट है जिसको लेकर रिजल्ट कैसे देखने हैं वो सारे डिटेल भी दिए गए हैं। और बताया जा रहा है कि इस साल जो ये एग्जामिनेशन हुए इनके कुछ खासियत रहे हैं। अब आप india.com के रिपोर्ट को या फिर इनके अपडेट को जो भी देख लेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं। इसमें कहा गया है कि सीआईएससी ने रिजल्ट को लेकर कोई बड़ी बातें पहले भी नहीं कही थी और अब भी नहीं कही है। वो साफ साफ कह रहा है कि इस समय इन रिजल्ट को लेकर कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती क्योंकि ये रिजल्ट प्राइमरी स्टेज में है, और जब ये रिजल्ट ही प्राइमरी स्टेज में है तो क्या कुछ कहा और करा जा सकता है। पूरे आर्टिकल के डिटेल को पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि जो ये मीडिया में रिपोर्ट थे कि 15th ऑफ अगस्त या 16th ऑफ अगस्त, पूरे मीडिया में रिपोर्ट पढ़ेंगे कि 15th ऑफ जुलाई या 16th ऑफ जुलाई तक ये रिजल्ट आ जाएंगे। इसको लेकर सीआईएससी चीफ और सीईओ गैरी राठौर के अलावे कई सारे सीआईएससी ऑफिशियल ने इसको खारिज कर दिया। बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपलों ने बताया कि इस समय रिजल्ट संभव ही नहीं है और इन रिजल्ट के आने की संभावना ही नहीं बनती है। इसी बीच एनडीटीवी एजुकेशन ने जो बताया है कि सीआईएससी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रिजल्ट को इस समय देने की कोई चांसेज नहीं है, और इसके पीछे एनडीटीवी एजुकेशन ने जो बातें बताई है उसमें कहा है कि कॉपी चेकिंग आईएससी का काम काफी डिलेड रहा। तो जब ये कुछ डिलेड रहा है तो इसको लेकर सीआईएससी भी अभी बैक फ्रंट पर है और वो नहीं चाहती है कि इन रिजल्ट को लेकर कुछ भी स्पष्ट बातें बोले या करे। तो स्पष्ट सी बातें हैं कि अब जो कि नीट के एग्जामिनेशन होने हैं तो कुछ 17th ऑफ जुलाई के बाद ही ये रिजल्ट आएंगे, उसको लेकर भी कई सारे अपडेट हैं, मैं आने वाले वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। और इस समय जो बातें कही जा रही हैं जी न्यूज के द्वारा भी, उसमें आपको कुछ बातें बताई गई हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि 18th ऑफ जुलाई से 23rd ऑफ जुलाई के बीच में ये रिजल्ट के आने की संभावना बनती है, और जब वे बनेंगी तभी जाकर सीआईएससी अपने इन अपडेट को क्लियर करेगा। इसी बीच आप आईसीएसई क्लास 10th के लिए 2023 बैच के स्टूडेंट के लिए ये 10 ईयर्स है जो कि काफी उपयोगी है और मार्केट में आ चुका है, और आईएससी के लिए भी एक इस तरह से आ चुके हैं जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप इसको भी देख लेंगे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, और यह काफी उपयोगी मालूम पड़ते हैं दोनों किताब और रहे भी हैं हिस्टोरिकली, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज करते हैं तो काफी बेनिफिट मिल जाएगा। इस चैनल को मेक द ब्लैक थंब एंड सब्सक्राइब द चैनल।